हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो माइक्रोमैक्स का जो नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है माइक्रोमैक्स N1 उसके सारे स्पेसिफिकेशन साथ ही साथ उसकी जो भी प्राइस वगैरह है वो सारी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जो स्मार्टफोन है ये आपको 19 मार्च को लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा, मतलब 19 मार्च को माइक्रोमैक्स इसको लॉन्च कर देगा। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन की, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको जो डिजाइन देखने को मिली थी बिल्कुल वैसी की वैसी डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ साथ इसमें कुछ कलर्स वगैरह चेंज किए गए हैं, लेकिन आपकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल वैसी की वैसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। साथ साथ इसमें प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 10,000 की रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन में हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस रेंज में। तो बस कैमराज की बात करें, तो इसमें आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको प्राइमरी कैमरा 48 MP का देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट साइड की बात करें, तो इसमें आपको फ्रंट साइड में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा बैक साइड में, और जो भी सेंसर वगैरह होते हैं वो सेंसर सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। जब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की कि ये कितनी प्राइस में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है इंडिया में, कितने प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये 2 वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। जो इसका बेस वेरिएंट होगा 4GB 64GB वाला, उसकी प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9,000 रुपए के लगभग हो सकती है, 9,000 और 9,500 रुपए के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और साथ साथ जो इसका एक अपर वेरिएंट है उसकी 1,500 रुपए कुछ ज्यादा प्राइस हो सकती है। तो ये कुछ इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन जो कि लीक हुई थी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।